नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों आज होगा IPL 2021 का मैच नंबर 2, जहां पर दोस्तों एक तरफ होगी दिल्ली कैपिटल्स, एक तरफ होगी चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों एक तरफ होंगे चाचा चौधरी, तो वहीं दूसरी तरफ होंगे ताबड़तोड़ पंत। एक तरफ होगा गुरु, तो वहीं दूसरी तरफ होगा चेला। काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा जब गुरु और चेला आपस में भिड़ेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के इसी मैच के बारे में, जिसमें टॉस, टाइमिंग, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और साथ में प्रेडिक्शन, मैच के प्रेडिक्शन भी करेंगे कि कौन सी टीम जीतेगी पहला दूसरा मैच। यहाँ पर दोस्तों पहले मैच में हमने प्रेडिक्शन की थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए कि आरसीबी मैच जीतेगी, और आरसीबी मैच जीती है। हालांकि दोस्तों ये कोई हम कोई भगवान तो है नहीं, तो यहाँ पर हमने एक अनुमान लगाया था हमने, तो वो अनुमान सही साबित हुआ है। और इसी तरह से दोस्तों पूरे आईपीएल में जितने भी मैचेस होंगे उसमें हम अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टीम जीतने वाली है मैच। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक ज़रूर से देखते रहिएगा। और क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों आईपीएल 2021 का दूसरा मुकाबला होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जहां पर एक तरफ होगी तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और इनके सामने एक बार चुनौती होगी एक बार फिर से अपने आप को साबित करने की। दोस्तों पिछले साल की अगर बात करें तो 2020 का सीजन इनके लिए काफी खराब रहा था, काफी निराशाजनक रहा था, जहां पर दोस्तों टीम ने सातवीं पोजिशन पर खत्म हुई थी ये टीम। दोस्तों पिछला साल यूएई में था, वहां पर सुरेश रैना की एबसेंस थी, लेकिन दोस्तों अब अच्छी खबर यह है कि सुरेश रैना अब टीम में आ चुके हैं और टीम को जो संतुलन चाहिए होता है वो यहाँ पर मिल चुका है। लेकिन दोस्तों एक बुरी चीज़ ये भी है कि यार रैना, मतलब ये हम कह सकते हैं कि ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने हाल ही में नहीं खेली है, मतलब कुछ एक आध मैच वो खेल कर आए हैं, तो ऐसे में फॉर्म में हैं या नहीं है, मतलब सारी चीज़ें जो है ना वो मैटर करती हैं। तो रैना के आने से ही मतलब चेन्नई जीत नहीं जाएगी, यहाँ पर उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी जरूर दिक्कत की चीज़ रहेगी चेन्नई के लिए। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ बात करें दिल्ली की टीम को, दोस्तों पिछले बार की रनर अप है और इनको अभी भी हम कह सकते हैं कि इनको अभी भी ज़रूरत है अपनी मतलब पहली ट्रॉफी की। दोस्तों एक भी ट्रॉफी इन्होंने नहीं जीती है और श्रेयस अय्यर के रूप में इनको एक झटका लग चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि श्रेयस अय्यर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, जब भी टीम को ज़रूरत होती है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं, और कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेले, लेकिन अय्यर जो है ना वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं और काफ़ी अच्छी कप्तानी भी करते हैं, और इसी वजह से पिछले साल उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक का टिकट जो है वो दिलवाया था। लेकिन दोस्तों अब इस बार उनका जो कंधा है वो डिसलोकेट हो गया था और वो आईपीएल 2021 से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। अब दोस्तों ऋषभ पंत को कप्तानी मिली है, हालांकि दोस्तों इनके जो कोच हैं रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने बोला है कि ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम जो है वो काफी अच्छा करेगी, लेकिन दोस्तों कितना अच्छा करेगी ये तो पहले मैच में ही पता चलेगा। दोस्तों अब एक एक करके बात करेंगे दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग की, तो इसका लाइव प्रसारण आप जियो टीवी, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार वीआईपी पर देख सकते हैं। दोस्तों मैच शाम को 7:30 बजे से होगा और वानखेड़े स्टेडियम में होगा, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। और दोस्तों अच्छी खबर ये है कि वहाँ पर जो 10 ग्राउंडमैन थे वो उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है, तो यहाँ पर कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं है। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। दोस्तों पिच रिपोर्ट यहाँ पर मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है ना वो बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों बाउंसी ट्रैक है, इस वजह से गेंदबाजों को थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा मिलता है और मतलब बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अनुकूल मैदान है, तो इसी वजह से ऋषभ पंत को काफ़ी रास आएगा ये वाला मैदान। और इसके अलावा पृथ्वी शॉ को भी काफ़ी अच्छा लगेगा मैदान। दोस्तों हाल ही में पृथ्वी शॉ काफ़ी तगड़ी फॉर्म में है, विजय हजारे में दोस्तों हाईएस्ट रन गेटर बनकर आए हैं, यहाँ पर 800 से ऊपर रन मेरे हिसाब से ये बनाकर आए हैं। इसके अलावा शिखर धवन दोस्तों पिछले साल के 2 शतक इन्होंने जड़े थे। इसके अलावा दोस्तों सीएसके में भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि इस पिच का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टॉस की, तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि पिच बैटिंग के लिए अनुकूल है तो टॉस जो भी जीतेगा उसको पहले करनी तो चाहिए बैटिंग। लेकिन दोस्तों टीमें क्या सोचती हैं, अगर चेन्नई की टीम में टॉस जीतेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो बैटिंग करेगी, यहाँ पर वो फील्डिंग करेगी, क्योंकि दोस्तों ड्यू का जो खतरा होता है उसके लिए टीमें जो है वो तैयार रहना चाहती हैं, तो इसी वजह से ड्यू फैक्टर की अगर टीमें ध्यान देती हैं तो वो गेंदबाजी करेंगी, लेकिन रन्स ऑन द बोर्ड इसकी फर्स्ट चॉइस रहेगी। बात करेंगे दोस्तों इसके बाद में
हेड टू हेड मुकाबलों की। तो दोस्तों इन दोनों ही टीमों का अब तक 23 बार आमना सामना हुआ है आईपीएल में। और दोस्तों यहां पर साफ साफ सी बात है, पलड़ा भारी रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का, जहां पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि 15 मैच जीते हैं चेन्नई ने और 8 में जीती है दिल्ली कैपिटल्स दोस्तों। लेकिन ये नई दिल्ली की टीम है, इन्होंने मतलब पिछले 2 साल में कुछ ऐसा किया है जिसने सभी को चौंका दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये वाला मतलब ये वाला क्लैश कि किस तरह से दोनों टीमें परफॉर्म करती हैं। दोस्तों ये हो गया हेड टू हेड। बात करेंगे दोस्तों अब प्लेइंग 11 की। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले ओपनर्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ही ओपन करेंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये दोनों खिलाड़ी ओपन करने वाले। दोस्तों शिखर धवन पिछले साल इन्होंने 2 शतक जड़े थे और दिल्ली की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, 600 से ऊपर रन इन्होंने बनाए थे। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी शॉ का पिछला साल कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन दोस्तों इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त वापसी करी है। दोस्तों हाल ही में विजय हजारे में काफ़ी तूफानी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और दोस्तों एट वेलिए छक्के मार रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि शॉ पहले मैच में किस तरह के एटीट्यूड के साथ में बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों ये हो गया इसका। बात करेंगे दोस्तों मिडल ऑर्डर की। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के मिडल ऑर्डर में खेलने वाले हैं नंबर 3 पर दोस्तों अजिंक्य रहाणे, क्योंकि दोस्तों अय्यर जो है वो चोटिल होकर बाहर हो गए, तो यहाँ पर जो मॉनिटर का रोल होंगे वो होंगे अजिंक्य रहाणे। यहाँ पर अजिंक्य रहाणे 3 पर, 4 पर होंगे दोस्तों ऋषभ, 5 पर मार्कस स्टोइनिस, 6 पर खेलेंगे दोस्तों सैम बिलिंग्स और 7 पर खेलेंगे दोस्तों क्रिस वोक्स। तो दोस्तों ये मिडल ऑर्डर रहेगा दिल्ली कैपिटल्स का, जिसमें दोस्तों अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर खेलेंगे और टीम को संभाल कर खेलेंगे। यहाँ पर दोस्तों बाकी खिलाड़ी जो है वो पिंच हिटर्स हैं, वो उतना संभाल कर नहीं खेलते हैं, खासतौर पर इनके कप्तान ऋषभ पंत। लेकिन दोस्तों रहाणे जो है वो कंपोज खिलाड़ी हैं, वो टीम को मतलब साथ में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो अय्यर का रोल है वो रहाणे को निभाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों पंत, स्टोइनिस 2 पावर हिटर्स हो गए जो कि आते ही बड़े बड़े शॉट्स मारेंगे। और दोस्तों ऋषभ पंत का हालिया फॉर्म काफी अच्छा है, यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हो, वनडे सीरीज हो या फिर T20, तीनों में दोस्तों जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है ऋषभ पंत से। और दोस्तों मुझे जहां तक लगता है ऋषभ पंत यहां पर धीरे धीरे नहीं खेलेंगे, वो आते ही बड़े बड़े शॉट मारेंगे और खासकर जब मैच हो वानखेड़े के मैदान पर। इसके अलावा दोस्तों स्टोइनिस पिछले साल दोस्तों मतलब कुछ साल 2 साल पहले आरसीबी में थे, उसके बाद में दोस्तों इनको दिल्ली कैपिटल्स ने ले लिया और दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से काफी अच्छे फिनिशर बनकर उभरे हैं मार्कस स्टोइनिस। दोस्तों बिग बैश में ये ओपन करते हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ से इनको मतलब कुछ बार ओपन भी कराया गया, लेकिन दोस्तों वहां पर उतने इंपैक्टफुल नहीं लगे हैं, तो इसी वजह से इनको फिनिशर का रोल मिला है। वहीं पर दोस्तों सैम बिलिंग्स और क्रिस वोक्स। बात करेंगे दोस्तों बॉलिंग की, तो दोस्तों यहां पर नंबर 8 पर खेलेंगे यहां पर आर अश्विन, 9 पर मिश्रा, 10 पर खेलेंगे दोस्तों खेलेंगे ईशांत शर्मा और 11 पर खेलेंगे दोस्तों यहां पर उमेश यादव। दोस्तों यहां पर रबाडा और जो नौरखिया है वो अभी क्वारंटीन में, तो इसी वजह से पहला मैच वो नहीं खेल पाएंगे, तो थोड़ी सी ये जरूर सेटबैक रहेगा, क्योंकि दोस्तों उमेश यादव उतने अच्छे गेंदबाज नहीं है, हमने देखा आरसीबी की तरफ से काफी पिटाई उनकी होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर बॉलिंग में थोड़ा सा कमजोरी मुझे लग रही है। हालांकि वोक्स हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे थोड़ी सी कमजोरी लग रही है। हालांकि दोस्तों टॉम करन का एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो सैम बिलिंग्स की जगह पर टॉम करन को खिला सकती है टीम, उससे ज़्यादा ऑप्शंस इनको मिल जाएंगे, लेकिन किसको खिलाती है दोस्तों ये तो देखना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों ये तो बात हुई प्लेइंग 11 की दिल्ली कैपिटल्स की। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे CSK की प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों ओपनिंग में खेलने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ और फैब डुप्लेसी। दोस्तों काफ़ी अच्छे ओपनर्स हैं, पिछले साल गायकवाड़ ने काफ़ी इंप्रेस किया था और डुप्लेसी का प्रदर्शन अच्छा रहता है। वहीं पर दोस्तों मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पर खेलेंगे सुरेश राणा, नंबर 4 पर अंबाती रायडू, 5 पर खेलेंगे दोस्तों यहां पर MS धोनी, 6 पर खेलेंगे दोस्तों मोइन अली और 7 पर खेलेंगे सैम करन। दोस्तों इन्होंने मोइन अली को हाल ही में खरीदा है और दोस्तों इसके अलावा सैम करन से ये काफ़ी मतलब काफ़ी खुश होंगे। हाल ही में दोस्तों इंडिया के खिलाफ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था सैम करन का और लगातार वो इंप्रूव कर रहे हैं और साथ में गेंदबाजी भी करते हैं, तो मतलब ओवरऑल काफी अच्छा मिडल ऑर्डर लग रहा है। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे बॉलिंग की, तो दोस्तों बॉलिंग में नंबर 8 पर खेलेंगे रविंद्र जडेजा, 9 पर खेलेंगे दोस्तों शार्दुल ठाकुर, 10 पर खेलेंगे चाहर और 11 पर खेलेंगे इमरान ताहिर। दोस्तों इमरान ताहिर को मौका मिल सकता है इस मैच में, क्योंकि करण शर्मा उतने अच्छे गेंदबाज नहीं है, तो इस वजह से ताहिर को इस बार मैच में मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। अब दोस्तों बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की, कौन सी टीम जीत रही है पहला मैच। तो दोस्तों यहां पर हम खाली अनुमान लगाते हैं कि कौन सी टीम मैच जीत सकती है। दोस्तों पहला मैच में अनुमान सही रहा था, हो सकता है कि दूसरे मैच में अनुमान गलत हो, लेकिन दोस्तों फिर भी हमारे हिसाब से ये वाले मैच में फेवरेट्स रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों 55% हमने दिया है चेन्नई को और 45% दिया हमने दिल्ली कैपिटल्स को, बाकी दोस्तों होता क्या है ये तो मैच में ही पता चलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डेली न्यूज़ अड्डा। थैंक यू।